गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बेबी का 24 आवर रूटीन। सबसे पहले सुबह को उठती है वो 7:30 बजे और मैं उसको बहुत सारा प्यार करती हूँ, किसेस देती हूँ, कडल्स करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर मैं उसको 8 बजे नाश्ता कराती हूँ। नाश्ते में उसको पोहा, कभी कभी उपमा, कभी कभी ओट्स, वो सब देती हूँ। अभी सीज़न ऐसे ठंडी वाला है इसलिए मैं उसको बनानास देना बंद कर दिया, वरना गर्मियों के सीज़न में मैं उसको बनाना भी देती थी। ये उसका डेली रूटीन है। कभी कभी मैं नाश्ते में चेंज भी करती, कभी कभी उसको मैं पराठा भी टेस्ट कराती हूँ, फिर वो खेलेगी। वो कम से कम 8:30 से 9:30 बजे तक खेलती, यहीं पे खेलती है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए रूम में वो खेलती है। ये उसका फेवरेट प्लेस है, इसके अंदर से वो ढूंढ ढूंढ के सब कुछ निकालती है। ये देखिए वो खेल रही है। अभी बज रहे हैं 9:30 बजे। 9:30 बजे मैं उसको कम से कम 4 आउंस सीटा यानी कि 120 ml जितना दूध पिलाती हूँ। ये डेली है उसका। 9:30 से 10 बजे तक मैं उसके साथ खेलूंगी क्योंकि मैं तुरंत उसकी मालिश नहीं करती हूँ, कम से कम 1.5-2 घंटे का गैप दे के ही मालिश करती हूँ, इसलिए अभी मैं उसके साथ बहुत सारा खेलूंगी। ये है उसका मालिश का टाइम, 10:15 बज रहे हैं और मैं उसको अभी मालिश कर रही हूँ बहुत अच्छे से। मैंने उसको नहला दिया है। मैं उसको अभी भी D3 के ड्रॉप्स देती हूँ नहलाने के बाद, क्योंकि 1 ईयर तक वो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। नहाने के बाद वो थोड़ा धूप सेकती है, इस एरिया में सुबह के टाइम धूप होती है इसलिए वो ये बास्केट के अंदर बैठ जाती है और ये बुक खोल के बैठ जाती है। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर्स होते हैं, वो देखते देखते वो लेती है, उसको ये पसंद है, उसने खुद से ये एक्टिविटी सीखी है। अब बज रहे 11 और ये सो गई है, अभी कम से कम 1 घंटा वो सोएगी। अभी बज रहे 12 और 12 बजे ये देखिए वो अभी झूला झूल रही है, वो अपने एक्चुअली अपने पापा का वेट कर रही है। रोज 1 बजे मैं उसको खाना खाने बिठा देती हूँ। खाने में वो दाल चावल, कभी कभी एग, कभी कभी कोई बॉयल्ड सब्जी, इस तरह से वो लेती है। मतलब नॉर्मली जो हम खाते हैं नॉर्मल खाना, वही खाना मैं उसको देती हूँ, कुछ ऐसे कस्टमाइज नहीं करती, कभी कभी थोड़ा कस्टमाइज कर देती हूँ। उसको पापड़ बहुत पसंद है, एक्चुअली पापड़ से उसने ना प्रॉपर है ना अपने हाथ से खाना सीखा है, तो कभी कभी मैं उसको पापड़ भी देती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है ये क्रंची क्रंची, इससे वो खुद से खाना भी सीख जाती है। पापड़ खाने की वजह से वो अभी अपने हाथ से रोटी भी खाना सीखी है। अब बज रहे 2 और वो थोड़ी देर खेलेगी, कम से कम 1/2 घंटा जितने वो अपने पापा के साथ खेलती है। ये देखिए उसको मेरे तरह सजना बहुत पसंद है, इसलिए वो कभी मेरी बिंदी लेगी पहन लेती है और इस तरह से वो अपने दोपहर को मस्ती करती रहती है। अभी बज रहे 2:30 और वो अभी सो गई है, कम से कम यहाँ पे वो अभी 2.5 से 3 घंटे का नैप लेती है। 5:30 बज रहे हैं, मैं उसको वापस से दूध पिला रही हूँ। अभी इस वक्त वो वापस से 4 आउंस इतना दूध दे रही है यानी कि 120 ml। अभी हम आ गए गार्डन में। रोज शाम को मैं उसको गार्डन लेके आती हूँ, अभी ठंड थोड़ी कम है इसलिए मैं गार्डन लेके आती हूँ। जब ठंड ज़्यादा होती है तब मैं गार्डन नहीं लेके आती, तब मैं उसे घर में ही खिलाती हूँ या फिर नीचे बहुत सारे बच्चे खेलने तो उधर थोड़ी देर के लिए लेके जाती हूँ। लेकिन इवनिंग का ये रूटीन उसका पक्का है, कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए उसको मैं बाहर लेके ही जाती हूँ। हम घर आ गए, घर आके मैंने उसको अच्छे से हैंड वॉश फेस वॉश करा दिया, मॉइस्चराइज वापस से कर दिया उसको, अभी वो थोड़ी देर खेलेगी। अभी बज रहे करीबन 7 बजे। आज हम जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। नॉर्मली मैं उसको घर का ही खाना देती हूँ लेकिन कभी कभी मैं उसको बाहर लेके जाती हूँ, उसको बाहर का खाना भी टेस्ट कराती हूँ जिससे वो रेस्ट्रिक्टेड ना रहे और सब कुछ खाना सीखे। ये देखिए ये आज मैं उसको रोटी और सब्जी खिलाऊंगी, रोटी और दाल रात, रोटी और सब्जी उसका रेगुलर रात का खाना है। और हम बाहर खिला रहे हैं लेकिन ये बहुत ही अच्छी और हाइजीनिक जगह है, यहाँ पे घर जैसा खाना मिलता है इसलिए मैं खिलाती हूँ। वरना होटल्स में अगर हम कभी जाते हैं तो उसको पहले से खाना खिला के फिर जाते हैं।
यानी वो डिफरेंट डिफरेंट फूड टेस्ट करेगी। रात को आ गए हम वापस, अभी बज रहे हैं 10 और मैं उसको करा रही हूँ मालिश, एक अच्छी सी मालिश सोने से पहले। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है, ठंड का मौसम है उनको ठंड भी नहीं लगती, उनकी बॉडी भी वार्म रहती है, पूरी रात वो बड़े आराम से सोते हैं। मालिश के बाद अभी मैं उसको दूध दूंगी और फिर रात को 3 या 4 बजे उठेगी मेरे फीड के लिए। वो अभी भी मेरा दूध पीती है, मतलब अभी भी वो फीडिंग लेती है मुझसे, और अभी ये दूध पी रही है। ये अभी 5 ounce जितना दूध पी रही है, यानी कि 150 ml जितना दूध पी रही है। दूध पी के अभी वो सो जाएगी। गुड नाइट एवरीवन।